स्वागत है आप सभी का आरसीआई के ऑनलाइन क्लासेस में। तीसरे पार्ट का अगला जो टॉपिक है वो चल रहा है बेटा हमारा, वो है तात्क्षणिक चाल। तात्क्षणिक चाल जिसको हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड, तात्क्षणिक चाल, ठीक है, इसको समझते हैं तात्क्षणिक चाल को। तो तात्क्षणिक चाल की पहले परिभाषा देख लेते हैं, तात्क्षणिक चाल की परिभाषा क्या होगी और फिर इसको एक्सप्लेन करेंगे। तो तात्क्षणिक नाम से पता चल रहा है किसी क्षण छोटे से समय अंतराल में, ठीक है, तो किसी छोटे से समय अंतराल में जो, तो इसकी परिभाषा किसी निश्चित समय या क्षण पर वस्तु की चाल को तात्क्षणिक चाल कहते हैं। और जब हम चाल की बात करेंगे तो चाल का जब भी नाम आएगा तो इसका मतलब तात्क्षणिक चाल ही है। और वाहनों में जो अपन चाल का जो मीटर लगा हुआ है वो स्पीडोमीटर ही लगा रहता है। तो किसी वस्तु द्वारा किसी क्षण तय की गई दूरी को उसकी तात्क्षणिक चाल कहते हैं, ठीक है। तो भाई जो तात्क्षणिक चाल है उसमें हम लिख सकते हैं कि जब भी चाल की बात हुई, मैंने अभी बताया, जब भी चाल की बात होगी तो इसका मतलब क्या हो गया कि हम तात्क्षणिक चाल की बात कर रहे हैं। जब भी हम बात करेंगे तो इसका मतलब क्या है, हम तात्क्षणिक चाल की बात कर रहे हैं। तो भाई अल्पांश समय ले लेते हैं, क्षणिक समय है, क्षणिक समय का मतलब अल्पांश समय। तो जो समय है आपके पास वो समय अंतराल कैसा है, वो समय अंतराल जो है वो आपके पास है बहुत ही छोटा, जिसको हम समय ही बोलते हैं, अंतराल होगा ही नहीं उसका, तो उसको बोलते हैं डेल्टा टी। और जब डेल्टा टी हम लिखते हैं वो बहुत ही छोटा है, यानी कि टी का मान लगभग जीरो के बराबर है, तो ऐसी कंडीशन में हम उसको लिखते हैं डेल्टा टी टेंस टू, ठीक है। जैसे टी बराबर आपका 0.001 सेकंड है, तो ये क्या है, लगभग जीरो के बराबर है। जरा जीरो के बराबर है तो इसका मतलब डेल्टा टी टेंस टू, गणित में इसको लिखते हैं जीरो, ठीक है। ये तीर का चिन्ह टेंस टू है तो हम लिख देंगे डेल्टा टी टेंस टू जीरो। तो ये क्षणिक समय में हम तात्क्षणिक चाल ज्ञात करेंगे, तो वी बराबर आपके पास आ जाएगा, यहाँ पे दूरी लिख लेते हैं डेल एक्स, बहुत ही छोटे समय में जो दूरी चलेगा कोई भी वाहन या वस्तु या कण, तो वो डेल एक्स ही चलेगा, ठीक है। तो यहाँ से तात्क्षणिक चाल का सूत्र हम बढ़ाएं तो क्या बढ़ेगा वो देख लेते हैं। तो हमारे पास सूत्र बन जाएगा तात्क्षणिक चाल का, वो इस तरह से बनेगा कि पहले तो ये देखो कि जो आपके पास क्षणिक समय अंतराल में जो दूरी आ रही है वो डेल एक्स है, क्षणिक समय डेल्टा टी है, ठीक है। तो इसी के रेस्पेक्ट में हम इसको करें तो हम लिख सकते हैं वी इंस्टेंटेनियस, क्योंकि तात्क्षणिक चाल को हम लिख देते हैं वी इंस्टेंटेनियस, और ये आ जाएगा बराबर लिमिट, क्योंकि लिमिट लगा देते हैं, लिमिट ये गणितीय रूप में लिखने का तरीका है और कुछ नहीं है, लिमिट डेल टी टेंस टू जीरो डेल एक्स बटे डेल टी। और भाई गणित में जब भी डेल एक्स बटे डेल टी के साथ लिमिट डेल टी टेंस टू जीरो है तो डेल्टा एक्स किस में बदल जाएगा, डेल्टा एक्स बदल जाएगा डी एक्स में, और डेल्टा टी बदल जाता है डेल टी में। तो भाई वी इंस्टेंटेनियस आपके पास आ जाएगा डी एक्स बटे डी टी। तो यहाँ पे जो आपके पास फॉर्मूला आ गया तात्क्षणिक चाल का, यहाँ ध्यान रखना है डेल्टा एक्स तो डी एक्स में बदल जाता है और डेल्टा टी डेल टी में बदल जाता है डी टी में, ठीक है। इसको एक उदाहरण से अपन समझेंगे, तो पहले तो फॉर्मूला आपको याद रखना डी एक्स बाई डी टी होता है, जिसमें डेल एक्स किस में बदल जाएगा डी एक्स में, और डेल टी किस में बदल जाएगा डी टी में। एक उदाहरण ले लेते हैं, एक्स बराबर आपके पास है मान लीजिए कोई भी समीकरण है टी स्क्वायर प्लस टी, और समय दे दिया आपको 0.1 सेकंड, और ये कह रहा है तात्क्षणिक चाल इसकी ज्ञात करिए। तो वही हमारे पास फॉर्मूला है तो हम लिख देंगे कि हम जानते हैं कि v बराबर होता है dx बटे dt, तो v बराबर आपके पास आ जाएगा d ऑफ dt, और x की जगह हमारे पास दे रखा टी स्क्वायर प्लस टी। अवकलन आपको करवा रखा है, अवकलन करेंगे सिंपल से इसका किसके सापेक्ष, टी के सापेक्ष, किसका करेंगे टी स्क्वायर प्लस टी का, ठीक है। तो भाई क्या आ जाएगा आपके पास, v बराबर आ जाएगा
टू टी, टी स्क्वायर का करेंगे तो टी का करेंगे तो वन, टी की जगह हम वैल्यू रख देंगे, टी की जगह वन क्या रहेगा 0.1, तो टी बराबर 0.1 सेकेंड रखने पर आपके पास चाल क्या आ जाएगी, वी तात्क्षणिक चाल वी बराबर 2 गुणा टी का मान 0.1 प्लस 1, तो ये आ जाएगा वी बराबर 0.2 प्लस 1, तो ये आ जाएगा वी बराबर 1.2 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, तो इस तरह से हम किसी भी वस्तु की या कण की किसी समय अंतराल में कोई समीकरण आपको दे रखी है तो उसकी तात्क्षणिक चाल ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको सॉल्व करते हैं। तो आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए इसमें, पूरा जो आपके पास प्रोसेस है इसके बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, ये बाद में अपन और भी करेंगे। ठीक है, तो आपको वीडियो को कोई भी आपको डाउट लगे तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, थैंक यू सो मच।